वो भी क्या दिन थे जब हम मोटरसाइकिल से नहीं साइकिल से जाना आना करते थे। और बारिश के मौसम में तो कोई अपनी सी साथ में होती थी। बिजली की कड़क आवाज़ से हैंडल पकड़े हुए हम जोर से भगाते थे साइकिल, पीछे उसे बिठा के। और उस समय तो हमारा प्राइवेट पोस्ट ऑफिस सीट के नीचे हुआ करता था। चिट्ठियाँ जो भेजा करते थे सही हाथ में लगती तो ठीक थी, वरना अपने घर होम डिलीवरी भी हुआ करता था। चिट्ठी लेके आते थे उसके पापा, और फिर क्या जो होता था वो तो सबको मालूम है। बहुत पिटाई और काफ़ी गालियाँ, जैसे 2 प्लेट समोसे के साथ 1/2 प्लेट चटनी। उस दौरान हमें ये लगता था कि हम बड़े हो गए हैं, जीना सीख गए हैं हम। कितने नादान थे हम। वो भी क्या कमाल के दिन थे। पर हर किसी की ज़िंदगी ऐसी मज़ेदार हो ये जरूरी तो नहीं जैसे इसकी। लोग इसे साइकिलमैन कह के बुलाते हैं, कहते हैं कि ये बारिश होते ही चल पड़ता है जंगल की ओर साइकिल लेके, बस अपना बजट ढूंढने। बचपन से माँ बाप को खोया है बेचारा, इसे ये तक याद नहीं कि इसके माँ बाप दिखते कैसे थे। माँ बाप ना होने का एहसास इससे बेहतर कौन समझ सकता है। फिर भी अपनी आँखों से एक बूंद आंसू भी बहने नहीं देता है ये, अपने दुनिया में खोया रहता है हमेशा, ना किसी से कुछ बोलता है ना ही किसी की सुनता है। कहते हैं कि भगवान से तो जवाब मिल जाता है पर इससे नहीं। दुनिया की चाल समझने खुद पड़ा है ये, इसे ये पता नहीं कि दुनिया कितनी टेढ़ी है, बस खुद पड़ा है समय के खेल में एक प्रतियोगी होकर। बड़ी अजीब सी है खेल समय के खेल, किसी को ऊपर ढकलता है तो किसी को नीचे। ये खेल खेल नहीं चक्रव्यूह, जितना अंदर जाओगे उतना ही फंसोगे, और जितनी जानने की कोशिश करोगे उतनी ही उलझन में पड़ोगे। ये रीत है दुनिया की, इसे समझना आसान नहीं। अनजान बन के रहोगे तो खुश रहो, वरना समय के खेल में फंसते जाओगे, कोई नहीं आएगा बचाने। अपने परछाई के अलावा समय और उसका खेल बड़ा ही अजीब है, किसको कहाँ कहाँ ढकलता है पता ही नहीं चलता।